प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो एबीसी और एक पीक्यूआर, उसकी एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, दोनों त्रिभुज आपस उसमें समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है कि एबी बटे में पीक्यू और एडी बटे में पीएम ये हमारे पास बराबर है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। अगर ये माध्यिकाएं हैं तो इसका मतलब बीडी और डीसी आपस में बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बीसी है वो बीडी का डबल है। बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीडी, डबल है। तो बीडी का मान निकालने के लिए बीडी होगा जो वो पूरे बीसी का आधा होगा, बीडी इज इक्वल टू 1/2 बीसी। ठीक इसी तरह से क्यू एम और एम आर बराबर है, या फिर हम क्यू आर की बात करें तो एम आर का डबल है, दुगना है, और क्यू एम की बात करें तो क्यू आर का आधा है। तो ये हमने लिख दिया। दूसरी बात, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पे एक तो ये जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपात में होगी, और दूसरी बात क्या होगा, कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, और कोण सी कोण आर के बराबर, ये हमारे पास होगा। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है ए डी बटे में पी एम। अब देखो ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू और ए डी बटे में पी एम, ए डी बटे में पी एम, यानी कि ये त्रिभुज कहीं यूज हो रही है। और इसी तरह से यहां पे पी क्यू और पी एम, यानी कि ये त्रिभुज यूज हो रही है। तो अगर हम देखें कि त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, तो यहां पे आप देखेंगे कि इनको समरूप दिखाते हैं। कैसे दिखा पाओगे समरूप? हमारे पास कोई ऐसा कोण देखो जो बराबर हो। यहां पे अगर हम आप देखें कि इस कंडीशन को लेते हैं पहले कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर, ये लिया हमने। क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये ले लिया। अब आप देखें कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी, हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है बी सी है हमारे पास, बी सी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, बी सी ट्वाइस बी डी है, तो 2 बी डी, और क्यू आर 2 क्यू एम है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी डी बटे में क्यू एम, तथा कोण बी बराबर है कोण क्यू, कोण बी बराबर है कोण क्यू, यहां पर लिख दोगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण इस नियम के हिसाब से। अब आप देखो कि ए बी बटे में पी क्यू और बी डी बटे में क्या हुआ, बी डी बटे में क्या हुआ, अब तो ये कोण चाहिए था हमें बराबर, और बी और क्या हुआ उसमें बराबर हो गए, तो बराबर हो गए ना। इसका मतलब जो त्रिभुज हमने ली है ए बी डी, ए बी डी वो समरूप होगी किसके, वो हमारे पास समरूप होगी त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के,
ए बी डी पी क्या हुआ एम के समरूप होगी। नियम कौन सा लगा? नियम हमारे पास लग गया एस ए एस समरूपता कसौटी के अनुसार। इसके अनुसार ये दोनों त्रिभुजे समरूप होगी। अब ये अगर दोनों त्रिभुजे समरूप होगी तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होगी, यानी कि ए बी बटे में पी क्या हो बराबर होगी बी डी, बी डी बटे में क्या हुआ है क्या हुआ है और ए डी बटे में पी एम। यार बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि ये यही पूछे, इस सेट को भी पूछ सकता है। अब देखो ए बी बटे में पी क्या हो हमने निकाल लिया, ए बी बटे में पी क्या हो बराबर है ए डी बटे में पी एम, ये ना ए डी बटे में पी एम एंसर। तो आपको एक बार तो जब भी समरूप हो जाए तो तीनों ही सेट लिख लेने, अब जो पूछे गए हैं उसमें से अलग से निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सरसाइज 6.3 एक लेंथी एक्सरसाइज है, इसके साथ साथ थोड़ा सा शुरू में आपको बोरिंग लग सकती है जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में बड़ा मजा आएगा। तो आपसे सलाह है कि जब भी आप इस तरह का कोई चैप्टर करो, विशेषकर जब भी ये हमारा 6 चैप्टर है, तो समरूपता के साथ साथ सर्वांगसमता के जो नियम है, विभिन्न प्रकार के कोण है, जो उन कोणों के आपस में संबंध है, उसके बारे में जरूर एक बार पढ़ लें, तब जाके ये स्टार्ट करें। इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत जल्दी क्लियर होगा और क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आपके सॉल्व होंगे। थैंक यू वेरी मच।